हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं और एक वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आई हूँ। आज का वीडियो आप जैसे देख रहे हैं एडेनियम के ऊपर है, तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बोलूँगी कि हाउ टू टेक केयर ऑफ एडेनियम ड्यूरिंग मॉनसूनस या रेनी सीजन। अभी हर जगह ऑलमोस्ट मॉनसून आ गया और हम लोग के यहाँ तो बहुत ख़राब हालत है, बहुत बुरा फ्लड होके रखा है हम लोग के पूरा एंटायर स्टेट में। सो मैं अपने जितने भी एडेनियम्स हैं, मैं तो बोलती रहती हूँ कि मैं यहाँ पर बहुत रेन हो रहा है, तो पिछले दो दिनों से अभी धूप निकल रहा है और फ्लड सिचुएशन अभी होपफुली थोड़ा इम्प्रूव होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रेन हो रहा है, इसलिए मैं अपने जितने भी एडेनियम्स हैं उनका भी अपने बारंदा में मैं रखी हुई हूँ ताकि उसमें रेन का वाटर ना गिरे। और आप देख ही रहे हैं सारे बारंदा में है, तो मेरे पास 6 टोटल एडेनियम्स है। ये वाला एडेनियम जो आप देख रहे हैं अभी, ये सबसे पुराना है मेरा, तो ये मैं पिछले दो तीन साल पहले लाई थी। उस जो एक छोटा सा प्लांट था, अभी देखिए इसका कोडेक्स कितना मोटा हो गया है। और ये सारे एडेनियम मैं अभी बारंदा में रखी हूँ, क्योंकि एडेनियम जिसका और एक नाम है डेजर्ट रोज, वो क्या होता है, बहुत पानी देने से वो ख़राब हो जाता है, या बहुत पानी गिरने से या डायरेक्ट रेन में रहने से वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों के वहाँ मेरे जैसा इतना ज़्यादा रेन नहीं हो रहा है और सिर्फ बारिश का जो पहला ये होता है, इंसिडेंट होता है कि आपके वहाँ अभी पहली बारिश हो रही है, तब मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने एडेनियम को थोड़ा बारिश में रख दीजिए, एक दो दिन के लिए रख दीजिए, क्योंकि एडेनियम को रेन वाटर जो बहुत फ़ायदेमंद होता है हर प्लांट के लिए, वो एडेनियम को भी चाहिए। तो ये देखिए मेरा जो मिट्टी है बहुत सूखा हुआ है, आपको एडेनियम का मिट्टी जनरली बहुत ही सूखा रखना पड़ता है, क्योंकि ये डेजर्ट का प्लांट है और अपने कोडेक्स में ये पानी जमा करके रखता है। तो अभी बारिश में आप क्या करेंगे, अगर एक दो दिन बारिश हो रहा है इसको बारिश में रख दीजिए, तो इसमें थोड़ा नया जान आ जाएगा, क्योंकि मॉनसून का पानी बहुत ही इफेक्टिव होता है। लेकिन उसके बाद आप इसको कोई ऐसा प्लेस में शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पर इसमें धूप अगर आए निकलता है तो पूरा धूप गिरे, लेकिन ऊपर से डायरेक्ट पानी ना गिरे इसमें, क्योंकि ज़्यादा पानी गिरने से आपका एडेनियम रूट रॉट हो जाता है और गल जाता है। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए बारिश का जो इनिशियल जब बारिश हुआ था तब मैंने बारिश में एक दो दिन रखा था, और अभी देखिए कितना सुंदर लीफ हो रहा है, नया ग्रोथ कितना हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कॉन्स्टेंटली बारिश में रख देती तो ये प्लांट गल जाता था। और एडेनियम क्या होता है, कम पानी में नहीं मरता है, लेकिन ज़्यादा पानी में ये हमेशा ख़राब हो जाता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे पूछते रहते हैं कि उनका एडेनियम क्यों ख़राब हो गया, तो द मेन रीज़न एडेनियम ख़राब होने का है कि ज़्यादा वाटरिंग। ये देखिए इसमें फ्लावरिंग वगैरह हो रहा है। तो ये दो प्लांट मैं जो लास्ट एक हॉल में दिखाया था कि मैं बड़ा बड़ा दो प्लांट लाई थी, वो एक्चुअली मैंने पॉटिंग नहीं किया अब तक, क्योंकि मुझे बारिश के वजह से बहुत जहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा गमला मिलता है, मुझे ये टेराकोटा का चाहिए था, वो मिलने उस साइड में जा नहीं पा रही थी। और एडेनियम में क्या हुआ, वो नर्सरी में पड़ा हुआ था तो डायरेक्ट पानी गिर रहा था, तो मुझे बहुत इसका मिट्टी इतना गीला हुआ था और उसका कोडेक्स भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। तो आप जब भी आपका एडेनियम को छू के आप देखते हैं कि इसका कोडेक्स थोड़ा सॉफ्ट हो गया, तब आप समझ जाइए कि इसमें ओवर वाटरिंग हो रहा है। तो मुझे जब ये लगा तो मैंने क्या किया, अपने एडेनियम को आप कितना दिन हो गया, देखिए मैं लाई हुई हूँ लेकिन आज तक मैंने एक बार भी पानी नहीं दिया। अब मेरा बारंदा ईस्ट फेसिंग है, तो यहाँ पर सुबह बहुत टाइम धूप रहता है, तो मैं अपने सुबह अपने बारंदा में मैंने रख दिया है, तो बहुत आराम से इसमें धूप आ जाता है जब धूप निकलता है, लेकिन इसमें बारिश का पानी नहीं गिरता है। ऐसे अभी ऑलमोस्ट सूख गया है मेरा ये दो बड़ा वाला एडेनियम, तो अभी मैं उसको एक दो दिन में पॉटिंग करूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो पत्ता जो मुड़ा हुआ देख रहे हैं, ये मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इस सीज़न में बारिश में क्या होता है, जो मॉनसून में क्या होता है, ये देखिए इस प्लांट का तो ऑलमोस्ट पत्ता झड़ ही गया था, और इसमें भी देखिए फ्लावरिंग हो रहा है लेकिन लीव्स बहुत कम है, क्योंकि इन सब में एक इशू हो गया था। ये वाइट वाला तो मैं नर्सरी से लाई हूँ, तब लाते वक्त मुझे कोटेक्स जो सॉफ्ट मिला था अभी नॉर्मल हो गया, अभी हार्ड हो गया, दैट मीन्स इसका मैं ओवर वाटरिंग का इशू सॉल्व हो गया। लेकिन क्या हुआ, इस सीज़न में एक प्रॉब्लम एडेनियम में मैंने पर्सनली फेस किया है, और वो है कि मिलीबग, जो एकदम पत्ते का जो बिगिनिंग होता है, जहाँ नया पत्ता निकलता है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो बड्स भी जब निकलता है तब वो बड्स भी ग्रो नहीं करता है, जो कली है वो ग्रो नहीं करता है, या जो न्यू लीफ होता है वो छोटा निकलता है या थोड़ा ट्विस्टेड या कुछ एबनॉर्मली निकलता है। अगर ऐसा निकले तो आप अच्छा से अपने देख लीजिएगा प्लांट को कि उसमें कुछ मिलीबग है कि नहीं। ऐसा मैंने जनरली मेरे प्लांट्स में, मैंने इस स्पेशली इस प्लांट में
मैंने देखा था कि इसका पत्ता झड़ रहा था येलो हो के, और इसमें जो नया पत्ता का ग्रोथ हो रहा था उसमें वो पत्ता मुड़ा हुआ निकल रहा था। तो फिर मैंने अच्छा से जब देखा पत्ते को चेक किया तो देखा कि इसमें मिलीबग का ग्रोथ हो रहा था, और वो मिलीबग जो कलियां है वो जो बन रही थी कलियां उसको भी खा रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया था, एक दिन जो मैंने दिखाया था कि नीम का पत्ता को बॉयल करके मैं स्प्रे कर देती हूँ, मैंने इसमें रेगुलर एवरी ऑल्टरनेट डे मैंने अपने सारे प्लांट एडेनियम में मैंने स्प्रे कर दिया। क्योंकि ये मानसून का सीज़न में क्या होता है, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये एफिड्स और मिलीबग वगैरह बहुत ईजिली ग्रो कर जाते हैं। तो इसलिए मैंने जब अच्छा से स्प्रे किया उसके बाद मैं हमेशा चेक भी करती रहती थी कि न्यू ग्रोथ जो होता है उसमें मिलीबग है कि नहीं। फिर मैंने देखा कि मिलीबग है नहीं। तो अभी जो नई शूट निकल रहा है उसमें वो हेल्दी पत्ता निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट तो आप बरसात में इसको डायरेक्ट एक दो दिन का पानी दीजिए, बरसात का पानी, ताकि इसका कोटेक्स मोटा हो जाए, क्योंकि इसी पीरियड में ये ग्रो भी करता है, इसका कोटेक्स मोटा हो जाता है और लीफ भी बहुत हेल्दी होता है। उसके बाद अब इसको कोई शेड के नीचे रखिए जहाँ पर धूप बहुत अच्छा से आ जाए, क्योंकि ये डेजर्ट का प्लांट होने के लिए इसको फुल सनशाइन चाहिए। इसको पूरा धूप में रखिए, इसका कोटेक्स में पानी एक्स्ट्रा मत दीजिए। अगर बारिश का पानी गिरा है तो फिर आप इसको 10-12 दिन पानी फिर मत दीजिए। और फिर आप देखिए, चेक कीजिए इसमें मिलीबग्स वगैरह कुछ एफिड्स वगैरह है कि नहीं। अगर पत्ता का लीफ वगैरह झड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि इसमें कुछ डिजीज लग गया। और एक बात है, अगर आपका इसका कोटेक्स थोड़ा आपको लूज दिखे तो आप समझ जाइएगा कि इसमें रूट रट हो रहा है। तो इन दैट केस आप इसको पूरा निकाल दीजिएगा टॉप से, फिर इसको धूप में द प्लांट विदाउट द सॉयल इसको धूप में सुखाइएगा। कुछ नहीं होगा आपके प्लांट को, एडेनियम बहुत ही हार्डी प्लांट है। फिर उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो जिस जगह आपका रॉटिंग हो रहा है उस जगह आप काट भी सकते हैं, काट के थोड़ा फंगिसाइड वगैरह लगा के भी आप तो एक दो दिन के लिए सुखा सकते हैं। अब एडेनियम ऐसा नहीं है, कोई इतना डेलिकेट प्लांट नहीं है कि आप इसको टॉप से निकालने से ये मर जाएगा। ये आराम से सुखा दीजिए आप इसको, और हमेशा इसका मिट्टी को वेल ड्रेन रखिए। मैं इसमें बालू मिट्टी, सैंड और गोबर का खाद मैं इसको ज़्यादा हमेशा पॉटिंग करती हूँ एडेनियम को। एडेनियम में मैं वार्मी कंपोस्ट उतना नहीं देती हूँ, गोबर ज़्यादा देती हूँ। लेकिन आपके पास अगर गोबर नहीं है तो आप वार्मी कंपोस्ट और सैंड मिक्स करके आप एडेनियम को पॉटिंग कीजिए। मैं इसमें गार्डन सॉइल यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ सैंड और कंपोस्ट या सैंड और गोबर यूज करती हूँ, क्योंकि ये डेजर्ट का प्लांट होने के लिए इसको बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल चाहिए जिसमें पानी रुका ना रहे। तो उसके ये करते रहिए, और मैं खाद वगैरह उतना नहीं देती हूँ, 6 मंथ्स में मैं एक बार कंपोस्ट या गोबर दे देती हूँ। तो आप भी वैसा ही कर सकते हैं। बाकी तो दूसरा इसमें उतना केयरिंग लेने का कोई भी बात नहीं है, इजीली फ्लावरिंग करेगा। मेरे यहाँ अभी बारिश कम होता है अगस्त में, तो मेरे यहाँ अभी देखिए कितना पत्ते का अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो अभी इसमें बड्स वगैरह भी थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो गया है, तो अगस्त में ये ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। इनफैक्ट विंटर में भी मेरे यहाँ ये इसको जब रेन कम हो जाता है और धूप ज़्यादा निकलता है तो मेरे यहाँ तो ये विंटर में भी ग्रोथ करता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपका एडेनियम भी बहुत अच्छा से चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो आप ये सब टेक्टिक्स थोड़ा यूज़ कीजिए कि इसके पानी से थोड़ा बचाइए इसको। इनिशियली इसको बारिश का पानी दीजिए, उसके बाद थोड़ा इसको पानी ज़्यादा मत दीजिए, और फंगस वगैरह होने मत दीजिए इसको। फुल धूप दीजिए जब भी धूप निकले, और मिलीबग एफिड्स के लिए इसमें रेगुलरली आप ऑर्गेनिक जो हम लोग का व्हाइट विनेगर या नीम ऑयल या नीम का जो पानी लीफ का जो बॉयल वाटर है वो यूज़ कीजिए, तो आपका एडेनियम बहुत अच्छा से चलेगा और बहुत अच्छा से फ्लावरिंग भी करेगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, अगर आपने फील किया कि ये हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। और आपका एडेनियम भी अगर अच्छा से नहीं चल रहा है तो देखिएगा ये टेक्टिक्स यूज़ करके आपका प्लांट्स भी बहुत जल्दी फ्लावरिंग में आ जाएगा। और ये जो टिप में दिखा रही हूँ, ज़्यादातर मिलीबग इस टिप में ही रहता है, और पत्ते का पीछे वाला सेक्शन हमेशा चेक कीजिएगा क्योंकि ये लोग पीछे छुपे रहते हैं। तो वो पीछे आप जब भी नीम ऑयल वगैरह स्प्रे करेंगे पीछे का सेक्शन अच्छा से धो दीजिएगा। मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि कैसे मैं प्लांट्स को नीम ऑयल से या नीम का जो पानी होता है उससे शावरिंग करती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाह रही थी कि हाउ टू केयर फॉर योर एडेनियम्स इन मानसून, क्योंकि हर जगह अभी बारिश हो रहा है। तो फिर उसमें आपका प्लांट को उस बारिश का एडवांटेज भी लेना है, लेकिन ख़राब भी ना हो, है ना, क्योंकि बारिश का पानी बहुत ज़रूरी भी होता है, लेकिन बहुत ओवर पानी से प्लांट ख़राब भी हो सकता है।
तो इसीलिए आप भी इसको दो दिन के लिए, तीन दिन, एक दो दिन के लिए बारिश का पानी ज़रूर दीजिए। इसका कोटेक्स बहुत अच्छा और हेल्दी हो जाएगा और एडेनियम, आपके एडेनियम को बहुत ही अच्छा लुक देगा। और देखिए अभी ये बहुत अच्छा सीज़न है कटिंग करने के लिए भी, क्योंकि अभी जब मेरा ये बड़ा जो एडेनियम है उसमें बहुत लेगी सा ब्रांचेस है, आप देख रहे हैं, मैं एडेनियम का कटिंग भी कर करके अभी लगाऊंगी, क्योंकि बरसात के सीज़न में बहुत अच्छा से ग्रो भी होता है कटिंग्स। तो आप अगर कटिंग भी करना चाहें, तो प्रून करना चाहें, तो एडेनियम को इस सीज़न में प्रून भी कर दीजिए, आपका बहुत सारा न्यू प्लांट्स भी ग्रो हो जाएगा। और एडेनियम का कटिंग ग्रो करना बहुत ही इजी है, आप कोकोपीट और कंपोस्ट और सैंड का एक मिक्सचर बना के 30 कोकोपीट, 30 वर्मी कंपोस्ट और 40% सैंड का एक मिक्सचर बना के उसमें आप कटिंग ग्रो कर दीजिए। इनिशियली थोड़ा शेड में रखिए, उसके बाद आप धूप में रख दीजिए और आपका कटिंग बहुत ईजिली डेवलप कर जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, जल्दी ही मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।